अभी तक सैफ अली खान को आपने रावण के किरदार में देखा था, लेकिन संजय दत्त की आवाज अब आप रावण के किरदार में सुन सकते हैं। संजय दत्त ने खुद इस संबंध में अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रावण के सांसदों को दमदार अंदाज में पेश कर रहे हैं। चलिए फिर दिखाते हैं संजय दत्त का ये अंदाज। आदि पुरुष में रावण बने सैफ अली खान को देखकर और सुनकर अधिकांश दर्शक खासे नाराज हुए। नाराजगी की वजह भी वाजिब थी, न तो रावण को वही पारंपरिक लुक दिया गया जो दर्शकों के मन में बसा है, और न ही ऐसे डायलॉग्स डिलीवर किए गए कि रावण की छवि दमदार नजर आ सके। उस आवाज और लुक को अब तक आप भुला ना पाए हो तो आप रावण की आवाज में बने संजय दत्त को सुन सकते हैं, जिसे सुनकर आप न सिर्फ सैफ अली खान को भुला देंगे बल्कि वो नाराजगी भी काफूर हो जाएगी जो आदि पुरुष को लेकर हुई थी। अब आपको बताते हैं कि संजय दत्त रावण क्यों और कहां बने हैं। देखिए, संजय दत्त ने खुद इस संबंध में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी, जिसमें वो रावण के डायलॉग्स को दमदार अंदाज में पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए संजय दत्त ने अपने इंस्टा हैंडल पर लिखा है कि अच्छे और बुरे जंग में हमेशा वो सोच ही होती है जो तय करती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस वीडियो की शुरुआत में जो कैप्शन दिखता है उसके मुताबिक ये तब की कहानी है जब रावण रावण नहीं था, एक विद्वान राजा। रावण कैसे बना ये संजय दत्त की आवाज में सुना जा सकता है। परंतु सावधान, कहीं मेरी कहानी उसके सुनाए फसानों से अलग हुई तो, कहीं मेरा सत्य उसके रचाए भ्रम पर भारी पड़ गया तो, तुम्हारी आस्था बिखर ना जाए। तैयार हो इस संभावना के लिए? अगर नहीं तो दबे पांव वापस लौट जाओ, मूंद लो अपनी आंखें। सत्य सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी शेयर की। उसके मुताबिक रावण राइजिंग के नाम से आ रही एक ऑडियो एल्बम में उनकी आवाज सुनी जा सकती है। इस एल्बम में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर ने रावण के युवा रूप को अपनी आवाज दी। इस ऑडियो को हिंदी ऑडिबल ओरिजिनल ऑडिबल इन पर सुना जा सकता है, जिसमें रावण के अलग ही पहलू को छूने और बताने की कोशिश की गई है।